नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। आज हम ये कुशन कवर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक ही 16x16 इंच का स्क्वायर पीस लिया है और इसको हम इस तरीके से इसका मेज़र कर लेंगे ट्रिंगल में नाप करके, इसके चारों कॉर्नर बराबर हैं या नहीं। और अब हम इसको फोर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें इसके दोनों कॉर्नर पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे, क्योंकि हम इसके बीच में डिज़ाइन डालने वाले हैं एक बची हुई लेस से। देखिए जो मैंने कट लगाए हैं, मैं वहाँ पर निशान लगा दे रही हूँ चौक से। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा कुशन कवर बनने वाला है। और मैंने कोशिश की है बहुत आसानी से आपको समझाने की। अगर जो वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा कीजिए। और देखिए ये मैंने इस तरीके से एक इसका ग्राफ बना लिया है, जो मैंने कट के निशान लगाए थे मैं वहाँ से इसको चारों कोनों से जोड़ दूँगी। और अभी इसके बीच में हम एक और ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसी ग्राफ के हिसाब से मुझे डिज़ाइन बनानी है इसमें। और दोस्तों ये वीडियो हमारे जो हैं इनको आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अभी हम इसको ट्रिंगल में मोड़ के फिर से बीच में निशान लगा ले रहे हैं, क्योंकि हम बीच में एक और ग्राफ बनाने वाले हैं। ये देखिए मैंने एक तरफ निशान लगा लिया, अब मैंने दूसरी तरफ का फोल्ड कर दिया है ट्रिंगल में ही। अब दूसरी तरफ भी निशान लगा ले रहे हैं। ये देखिए हमें पॉइंट टू पॉइंट इसको लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों बहुत अच्छा कुशन कवर बनेगा ये बहुत आसानी से। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन जब आप ये कुशन कवर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान है, बहुत ही प्यारा बन अगर जो आप बनाएंगे इसको तो आप बनाने के बाद आपको बहुत खुशी मिलेगी। ये देखिए मैंने इस लेस का मेज़र कर लिया ऐसे ही। अभी हम इसके चार पीस कर लेंगे, क्योंकि हमें चारों कोनों पर लगाना है, इसलिए हम इसके मेज़र के हिसाब से इसके चार टुकड़े कर लेंगे। हम इसको अटैच कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हमारे वीडियो को कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए मैंने एक तरफ लगा लिया है, अब हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं इसको। दूसरी तरफ भी मैंने उसी तरीके से लगा लेना है। ये देखिए मैंने दो साइड पे लगा लिए हैं। अभी हम इन दोनों साइड पर भी इसको अटैच कर ले रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो उसके पास में जो घंटी का निशान आता है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ये देखिए हमारा तीन साइड में लगकर तैयार हो गया। अब हम एक और साइड में लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरे ग्राफ पे इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं फटाफट।
ये देखिए दोस्तों, हमारा एक ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। अभी जो एक्स्ट्रा धागे हैं हम इन्हें कट कर दे रहे हैं और अब हम इसके ऊपर दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो दोस्तों, अब मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है 20x16 इंच का। इसको हम बीच से कट कर देंगे और इन दोनों पीसेस के एक एक सिरे को हम फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करके इस तरीके से हम एक सिलाई लगा देंगे जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे पीस में भी करेंगे। ये मैंने दोनों पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें कुछ इस तरीके से रखेंगे जिससे कि 16x16 इंच के एक स्क्वायर पीस के बराबर हो जाए। दोस्तों, मैंने नीचे रखे हैं लेकिन मैं नीचे से निकाल कर ऊपर रखूँगी जिससे कि आसानी से हम इसे स्टिच कर पाएँ स्क्वायर पीस के ऊपर। ये देखिए, अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे तो हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारा कुशन कवर बनकर तैयार हो चुका है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर दे रहे हैं। अभी मैं आपको सीधा करके इसे दिखा रही हूँ। इसके चारों कोने पकड़कर हमको सीधा कर देना है। ये इसका बैक साइड और ये है फ्रंट पार्ट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसमें आपको कुशन डालकर भी दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुका है हमारा कुशन कवर। ये कितना प्यारा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।